जोहार दोस्तों, जोधपुर जिले के फलोदी कस्बा सियाड़ गांव के अंदर एक रावतराम पील जो कि बकरियां चराने जंगल में जाता था। रावतराम पील को किसी अज्ञात लोगों ने लाठी से पीट पीट कर, उसकी बुरी तरह से मार पीट कर रावतराम पील की हत्या कर देगी। पता लगते ही रावतराम के परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है और जोधपुर MDM हॉस्पिटल के सामने धरना लगाया है। रावतराम परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और धरने पर बैठा हुआ है। दोस्तों, लगातार आदिवासियों पर अत्याचार शोषण बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं, लेकिन आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। रावतराम बिल के परिवार का कहना है आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एक नोटिस हम जारी डेड करने की बॉडी विचार कर रहे हैं और हमें उठाने के लिए आपका ये तैयार नोटिस हैं। भी हमाया जब है कि तक आपके खिलाफ एक ऐसा रावतराम बिल नोटिस के जारी किया गया, आपको आरोपी अगर को ये फोर्ड गिरफ्तार थ्री से नहीं तीन करोगे, दिन से जब अगर आप तक बॉडी नहीं लोगे बॉडी तो नहीं आपके ऊपर उठाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी और तो गिरफ्तारी ये होगी। इनका तो मैं बयान भील है। समाज से आदिवासियों से जितने कहा हूँ, रावतराम मैं के आदिवासी युवा परिवार परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं दुखी जितने भी हैं भारत और के आदिवासी आक्रोशित हैं। संगठन है, संघ है, सरकार उनसे से मैं यही अपील निवेदन करना है चाहता हूँ कि कि जल्द आप से इस जल्द जोधपुर प्रशासन से इस पूछे आरोपी को कि हमने गिरफ्तार किया किस जाए, बात का नोटिस दिया। पाली में ताकि कल, ऐसी आने वाले पाली समय में में घटना कल की न घटना हो। है, आप पाली जोधपुर जिले में आती है, और रावतराम पाली जिला परिवार है, तो आप के पाली की एक परिवार का घटना यही का कहना है कि बारे उसे में गिरफ्तार जानकारी किया जाए, लीजिए कि भील समाज का दस लेकिन साल अभी का तक बच्चा कोई और 10 साल की बच्ची के गिरफ्तार साथ नहीं रेप किए हुआ हैं। और प्रशासन ने उसकी बॉडी की तो पोस्टमार्टम नहीं करवाई। क्या आप आदिवासी जितने परिवार भी के साथ तमाम क्या आदिवासी बीतरी समाज के होगी? जितने भी लोग हैं, रावतराम ये आप परिवार जरूर प्रशासन बिल से के परिवार के पूछे, साथ एसपी कितना साहब से बर्ताव किया जा पूछे रहा है कि और जिस बच्चे क्या के साथ, समस्या आ रही है? आप इस ये वीडियो में आप मेरे देख बयान नहीं सकते है, हो बलात्कार हुआ, किस ये तरह प्रशासन से के बयान है क्या कि क्या उस मांगे बच्चे के हैं वो साथ आप इस बलात्कार वीडियो में देख हुआ सकते हो। और उसकी पोस्टमार्टम नहीं करवाई, ये भी प्रशासन की जवाब है। अगर पोस्टमार्टम है तो वो पेश करे, क्योंकि 24 घंटों में ऐसे अपराधों में 24 घंटों में चालान पेश करने का भी कानून है। तो मैं तमाम आदिवासियों से कहना चाहता हूँ कि पूजा भील जालोर में दो लड़कियों को बलात्कार करके नहर में डाला और उन चार नाम दर्ज अपराधी है, मगर किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज तक उस विषय में किसी ने भी चर्चा नहीं की, उस विषय का क्या हुआ। हम लोग शांत है, कितने दिन आदिवासियों को शांत रहना पड़ेगा, ये आप सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं आज खुले मन से कहता हूँ कि आज मुझे यहाँ से पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे कुछ भी करे मेरे ऊपर, चाहे कितने भी मुकदमे करे, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा और मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा। इसमें हमने अगर यहाँ धरना देकर गुनाह किया है तो आप सही हो, आपका जो काम है, आपका जो रवैया है, आप जिले के अधिकारी हो, आप संभाग के अधिकारी हो, आपका जो रवैया है, आपका जो तरीका है, वो सब सही है, मगर हम जो पीड़ित परिवार जो न्याय के लिए यहाँ मांग कर रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हम गलत है। तो मैं तमाम आदिवासियों से, भीलों से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन